जिस जवान बेटे में माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा देख रहे थे, जिसकी एक आवाज से उनकी जिंदगी रोशन हो जाती थी, वो बेटा और उसकी आवाज अब हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं है। 29 मई को कुछ बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनके शरीर को छलनी कर दिया। बेटे के गोलियों से छलनी शरीर को देख मां दहाड़ मारकर रोने लगी। पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। आंखों के सामने जवान बेटे को यूं पड़ा देख मां बेसुध नजर आई। इस बात का कोई होश ही नहीं था कि उन्हें कौन संभाल रहा है और कौन नहीं। बेटे की हत्या की खबर मिलते ही मां चरणजीत कौर का कलेजा फट गया था। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो बेटा घर में मौसी का हाल लेने की बात कहकर निकला था वो कभी वापस नहीं आएगा। वो बार बार पूछे जा रही थी कि बेटा कहाँ है और कब घर वापस आएगा। माँ के जिगर का टुकड़ा घर तो आया लेकिन अंतिम विदाई लेने। सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। दूर दूर से उनके प्रशंसक उन्हें अंतिम विदाई देने गांव पहुंचे हैं और भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। 30 मई को पोस्टमार्टम के बाद जब 31 मई को कुछ देर पहले सिद्धू मूसेवाला की बॉडी गांव मूसा पहुंची तो हर किसी का कलेजा फट पड़ा। आखिरी दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। मां चरणजीत कौर और पिता बल कौर बिलख बिलख कर रो पड़े। अपनी आंखों के चिराग को यूं बुझा हुआ देख उनकी आंखों में अंधेरा छा गया था। मां तो बस बेटे के जनाजे के पास ही बैठ गई। आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो एक टक अपने बेटे को आखिरी बार निहारे जा रही थी। वहीं पिता ने बेटे सिद्धू को आखिरी बार विदाई देने से पहले लास्ट बार माथे पर चूमा। आज पिता का भी कंधा टूट गया था। बलकौर जिस बेटे को अपने गांव गौरव अपना स्वाभिमान मानते थे, हर किसी को उसके बारे में छाती चौड़ी करके बताते थे, वही बेटा उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह अपने बेटे की मूछों को आखिरी बार ताव दे रहे हैं। और ये वीडियोस और तस्वीरें पंजाब के स्थानीय निवासियों ने अपने ट्विटर पेज पर शेयर किए हैं। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि सिद्धू मूसेवाला के पार्थिव शरीर के मूछों को पिता ताव दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार उनके गांव मूसा में ही उनके खेत में किया गया। अंतिम संस्कार से जो तस्वीरें और वीडियोज आ रही है उन्हें देख कर किसी का भी दिल दहल जाएगा। सिद्धू इस दुनिया से तो चले गए लेकिन साथ में अपने माता पिता की खुशियां भी ले गए। सोशल मीडिया पर भी लोग काफी भावुक नजर आ रहे हैं और सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला मात्र 28 साल के ही थे। इतनी सी उम्र में ही सिद्धू मूसेवाला ने खूब दौलत शोहरत और नाम कमा लिया था।